कंट्रोवर्सी होने के बाद यह चीज़ जरूर लगता है। अपना चैनल का जो एनालिटिक्स है उसमें दिखता है कि व्यू ज़्यादा है, डॉलर बन गया है, यह सब चीज़, लेकिन जो मेंटल पीस हमारा बिगड़ता है, बिल्कुल सही चीज़ नहीं है यह चीज़। इंसान का कुछ भी हो सकता है, चाल और चरित्र नहीं बदल सकता है। एक इंसान अगर आपके साथ दोगलापन कर चुका है और आपको धोखा दे चुका है, तो दोबारा अगर उसके सामने ऐसी परिस्थिति आएगी तो इसके बारे में कभी नहीं सोचेगा। और मैं देखता हूँ कि कई सारे कमेंट आ रहे होते हैं कि आप किसी के साइड क्यों नहीं बोल रहे। तो जी, उस पर मैं यही कहना चाहूँगा कि मैं इसलिए नहीं बोल रहा। अभी बज रहे हैं जी दोपहर के 1:15, और इस समय हम सभी लोग जो है तैयार हैं। तो हम लोगों का जो यह सफर है जो 15 तारीख से स्टार्ट हुआ था, सचिन भाई के घर गए थे हम लोग फंक्शन में, और वहां से लेकर के दिल्ली आने तक नैन्सी दीदी के घर तक, तो वो सफर जो है फिलहाल उस पर जो है ब्रेक लग रहा है। और इसके बाद हम लोग चलेंगे सीधा घर, और घर चल करके जो है अब क्रियांश का स्कूल भी खुल गया है, तो क्रियांश अपने स्कूल जाएगा। तो कुछ दिन इसका क्लास मिस हो गया है, लगभग लगता है 3-4 दिन के करीब मिस हुआ है। तो कोई बात नहीं जी, अभी तो प्ले स्कूल ही है, अभी तो बस खेलना ही है इसको। तो चलते हैं, और हमारा सारा सामान सब जो है फिलहाल यहाँ पर हो गया है पैक, और उसके बाद जो है चलिए तो मम्मी से भी जो है एक बार विदा ले लेते हैं। मम्मी भी साथ जाने वाले थे, लखनऊ तक जाने वाली थी, लेकिन इसके बहुत जरूरी काम आ गया इसको, बिल्कुल घर जाना पड़ा। हाँ हाँ, तो कुछ ऐसा हो गया है। असल में तो देखो, हम 3 तारीख को निकलने वाले थे, बीच में 2 काम आ गया, तो 2 दिन एक्सटेंड कर लिया, लेकिन यही जरूरत है। बिल्कुल, तो चलेंगे जी, और उसके बाद जो है मम्मी जाएगी यहाँ से अपना लखनऊ, और लखनऊ से जाएगी बनारस। तो यहाँ पर जी हमने अपना अच्छा खासा समय बिताया, काफी अच्छा लगा। और गतिक और क्रियांश ये लोग जो साथ में खेल रहे थे, बहुत अच्छा लग रहा था दोनों को खेलते देख। और फिलहाल क्रियांश को जो है पता चल गया है कि हम सभी लोग जो है हम निकलने वाले हैं, तो जब तक आप गाड़ी में ये बैठने जाएगा, गाड़ी आगे चल नहीं लेगी, तब तक क्रियांश को चैन नहीं मिलने वाला है। लाइक कर दो वीडियो। अरे वाह 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 वाह, तो जब हमारा भांजा लाइक कर रहा है, आप लोग भी लाइक कर दीजिए वीडियो, क्या जा रहा है। One eternity later. तो हमारा जो यह लंबा सफर था जी, अब हो गया है फाइनली खत्म, पहुंच गए अपने घर। और घर पहुंच करके जो है अभी कुछ देर पहले सो करके उठे थे, तो नहा धो करके एकदम हो गए फ्रेश। और क्रियांश बेटा जो है यहाँ आते ही जो है एकदम अपने रंग में आ चुका है, कि या तो आप अपना इलाका है। क्रियांश गया ऊपर, अब यहाँ से कहाँ जा रहा है। और इसका जब बाल खुला रहता है ना, ये जब आंख पर रहता है, बिल्कुल अलग ही लुक लगता है इसका। और जब ये चोटी बांध लेता है, बिल्कुल अलग दिखता है ये। चलो क्रियांश इधर इधर आओ। A few moments later. तो फिलहाल जी क्रियांश यहाँ सो गया है। क्रियांश के सोने के बाद जो हम लोग यहाँ पर आ गए हैं, और बाकी अपना YouTube का कमेंट सेक्शन सब चेक कर रहे थे, Instagram का मैसेज और कमेंट बॉक्स सब चेक कर रहे थे। तो सभी जगह जो है एक ही बात है जी, कंट्रोवर्सी भाई साहब दबा के चल रही है कंट्रोवर्सी। और YouTube पर देखिए एकदम कंट्रोवर्सी अब चल रही है, और ट्रेंडिंग सेक्शन भी इवेंट चेक कीजिए तो वहाँ भी कंट्रोवर्सी का ही वीडियो नज़र आ रहा है। हमारे दो जो मिलियन वाले क्रिएटर सब हैं, एलविस यादव, ध्रुव राठी, देख रहा हूँ उनके बीच तक चल रहा है यह सब चीज़। और अपने जो और बिल्कुल और अपने जो साथ के जो साथी सब हैं, उन सब के बीच में भी चल रहा है। तो सच में जी बहुत ज़्यादा चल रही है कंट्रोवर्सी, और इस कंट्रोवर्सी के बारे में यही कहना चाहेंगे जी, नहीं होना चाहिए ये चीज़। कंट्रोवर्सी होने के बाद यह चीज़ जरूर लगता है। अपना चैनल का जो एनालिटिक्स है उसमें दिखता है कि व्यू ज़्यादा है, डॉलर बन गया है, यह सब चीज़, लेकिन जो मेंटल पीस हमारा बिगड़ता है जी, बिल्कुल सही चीज़ नहीं है यह चीज़। और हमें ध्यान है जी कि जब हमारे और सचिन भाई के बीच में विवाद चल रहा था, मैं खुलकर नाम ले रहा हूँ जी, कोई भी छिपाने वाली बात नहीं है, क्योंकि आप सभी लोगों ने देखा कि उस समय क्या हो रहा था, क्या नहीं हो रहा था। तो उस समय जी कितने परेशान हुए थे, हमें ध्यान है। और आज हम लोगों के बीच में रिश्ता सामान्य है, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। और भगवान करे ऐसे ही सभी लोगों के बीच में जो है रिश्ता सामान्य हो जाए, जिनके बीच में भी थोड़ी सी खटास आ गई है। और मैं देखता हूँ कि कई सारे कमेंट आ रहे होते हैं कि आप किसी के साइड क्यों नहीं बोल रहे हैं, आप इसके साइड बोलिए, आप उसके साइड बोलिए, हर तरफ के जो भी समर्थक है यह सब चीज़। तो जी उस पर मैं यही कहना चाहूँगा कि मैं इसलिए नहीं बोल रहा कि अगर बात को जोड़ने की बात आएगी कि सभी को आपस में मिला करके रखा जाए तो हम उसके ऊपर बोलेंगे, लेकिन अगर किसी को लड़ाने की बात आएगी और किसी एक साइड से बोल करके दूसरे साइड को प्रभोग करने की बात आएगी तो जी हम वो नहीं करेंगे। हम जोड़ सकते हैं जी, किसी को तोड़ नहीं सकते। हमें बिल्कुल जी हमें ध्यान है जी, जब हमारे टाइम में कंट्रोवर्सी चल रही थी तो अमित भाई जो है आगे आए थे, और दो साइड को लेकर के जो है वो चाह रहे थे कि आपस में
बात बन जाए और किसी तरह से यह विवाद खत्म हो जाए। और इस तरह जो है कुछ कुछ क्रिएटर थे, लेकिन बहुत सारे क्रिएटर ऐसे भी थे जो आग में घी डालने का काम कर रहे थे, तो अच्छे बन रहे थे लेकिन फिर बिल्कुल। और कुछ समय बाद हमें मालूम भी चला कि उस कुछ लोगों के दोहरा चेहरा का, कि हमारी साइड कुछ बोला जा रहा है, उस साइड कुछ और बोला जा रहा है। यह सब जब आपस में बात हो गई तो वह सब कुछ मालूम चला। तो उसी के बाद जी हमने डिसाइड कर लिया था कि अब हम इमोशनल तो रहेंगे ही जी, ह्यूमन है, इमोशन अंदर में रहना चाहिए। इमोशन अगर मर जाएगा तो फिर ह्यूमन ही क्यों है, लेकिन इमोशनल फूल नहीं बनना है हमें। हम लोगों के साथ ऐसा क्या होता है कि थोड़ा सा कोई भी अच्छे से बात कर लेता है ना, तो हम उनकी पुरानी बातें, जो उन्होंने पुरानी हरकतें की है, वो भूल जाते हैं। लेकिन नहीं, यहाँ पे ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको हर एक चीज सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि जी एक चीज बोला जाता है जी, इंसान का कुछ भी हो सकता है, चाल और चरित्र नहीं बदल सकता है। एक इंसान अगर आपके साथ दोगलापन कर चुका है और आपको धोखा दे चुका है, तो दोबारा अगर उसके सामने ऐसी परिस्थिति आएगी तो इसके बारे में कभी नहीं सोचेगा वैसा करने से, क्योंकि यहाँ पे लोग फायदा देखते हैं, बस अपना फायदा है तो आपसे दोस्ती, नहीं फायदा है तो नहीं दोस्ती। और यहाँ तो ये भी देखते हैं जी कि किसी का दर्द है, किसी का कुछ है, किसी का खराब समय चल रहा है, वो हम उसके दर्द में साथ देंगे, जिसके दर्द में साथ मिल जाने से ऑडियंस के सामने दिखेगा और व्यू अच्छा मिल जाएगा, फिर हम दर्द में भी साथ देंगे। तो बिल्कुल, तो हम दर्द भी चुनेंगे कि किसके दर्द में शामिल होने से हमें व्यू मिल जाएगा। तो जी ऐसा नहीं करना, हम इंसान है और हमें ध्यान है जी, हमारी एनिवर्सरी पार्टी का भगवान की दया है जी, हमारे घर में दो दो पार्टी हुआ उस समय, क्रिएटर सब आए थे, क्रियांश का बर्थडे था, हमारी एनिवर्सरी थी, और दोनों पार्टी बहुत ही सक्सेसफुल रहा जी। किसी तरह का कुछ भी ग्रुपिज्म वहाँ नहीं दिखा, और किसी भी तरह का एक दूसरे की तरफ बात करना, वो करना, किसी भी तरह का विवाद बिल्कुल नहीं दिखा। हमने कोशिश की थी कि सबको अच्छे से रखें, और कुछ लोगों का ये भी कमेंट आ रहा था कि दीदी क्रियांश का बर्थडे आया था, आपने किसी यूट्यूबर को क्यों नहीं बुलाया। तो रीजन यही था कि मैं जब भी बुलाऊंगी ना तो उनको 100% दे पाऊं अपना। बिल्कुल जी, तो यहाँ पर जितने भी लोग आए हुए थे जी, सभी लोगों के लिए बराबर का व्यवस्था, बराबर का कमरा, बराबर का सब कुछ। इवन जो हमारा जो रूम था वो भी उसी कैटेगरी का था, बस ये था कि होटल वालों की तरफ से थोड़ा सा डेकोरेशन कर दिया गया था हमारे रूम का, बस उनके तरफ से, हम लोगों ने कोई डिमांड नहीं किया था ये सब चीज। तो और बाकी देख रहा हूँ कि जब एनिवर्सरी के बाद सभी लोग अपने अपने घर गए, तो वहां से रिव्यू भी सभी लोग डाल रहे थे, तो रिव्यू देखकर भी काफी अच्छा लगा। सभी लोगों ने अच्छा रिव्यू दिया और सभी लोगों ने जो है काफी सराहा हमारी अरेंजमेंट को, तो काफी अच्छा लगा। तो हम चाहते हैं जी ऐसे ही सब लोग मिलजुल करके रहे, काफी अच्छा रहेगा कम्युनिटी में। और थोड़ा सा आप लोगों से भी शिकायत है जी, आप लोगों से शिकायत इस बात की है, कोई भी कुछ सकारात्मक वीडियो डालता है, किसी भी तरह की अच्छी सीख वाला वीडियो डालता है, तो उस पर आप लोग थोड़ा सपोर्ट कम देते हो, और किसी भी कंट्रोवर्शियल वीडियो जो होता है उसके ऊपर मैं देखता हूँ आप लोगों का रिएक्शन बहुत भर भर के आता है उसके ऊपर। और तब कोई भी जो क्रिएटर होता है, जब एक लगातार खराब देख रहा है चैनल का एनालिटिक्स की मैं तो इतने मेहनत से वीडियो डाल रहा हूँ, इतनी अच्छी अच्छी सीख वाले वीडियो डाल रहा हूँ, उसके ऊपर कुछ भी रिजल्ट नहीं आ रहा है, तो खराब लगता है जी। और अंत में कोई भी प्रभोक होकर के जो है कभी कभी जाने अनजाने में जो ऐसी हरकतें हो जाती है, हालांकि मैं इन सब चीज़ों को डिफेंड नहीं करता कि ये सब चीज़ करना सच में गलत बात है, लेकिन कोई भी जो क्रिएटर होता है जी, वह अगर किसी चीज़ पर अपना समय दे रहा है और स्पेशली अगर कोई फुल टाइम दे रहा है, तो उम्मीद करता है कि उस पर एक अच्छा रिजल्ट आए, उसको अच्छा रिजल्ट नहीं आता है तो थोड़ा सा खराब लगता है। तो प्लीज़ आप लोग भी जो भी सकारात्मक वीडियो डालते हैं, जो भी नकारात्मक को प्रमोट नहीं करते हैं, तो उनको भी थोड़ा सा सराहिए, थोड़ा सा आप लोग भी सपोर्ट दीजिए ताकि उनको भी बल मिलेगा। बाकी इसी शब्द के साथ जो है इस वीडियो को खत्म करना चाहेंगे, मुझे नहीं लगता है कि अब ज्यादा बोलने की जरूरत है। एक चीज मैं बोलना चाहूंगी कि बार बार आप लोग, मैं ज्यादातर कमेंट तो मैं डिलीट कर देती हूँ ताकि लोगों की नजरों में नहीं आए कि आप किसके साइड है, आप किसके साइड है। तो हम, इन्होंने बताया कि हम किसी को जोड़ने का काम करेंगे, तोड़ने का काम नहीं करेंगे। दूसरी चीज है, हम उस पार्टी में थे नहीं, हमें सच नहीं पता क्या है क्या नहीं है, तो हम क्यों बोले किसी के साइड। क्या पता हम जिससे सुन रहे, आजकल कोई सच नहीं बताता, सिर्फ झूठ का इधर से उधर फैलाता है। इस वजह से मुझे नहीं सब चीजों में पढ़ना है। अगर सामने से कोई आके, मुझे लगता है कि सामने कुछ हो रहा है, फिर मुझे बोलने की जरूरत ही, तो हम किसी से डरते नहीं, हम बेफिक्र होकर के आके यहाँ सच बोलते। तो अब ऐसा करते हैं, इस वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं, उम्मीद करते हैं आज का यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आज का यह वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक कीजिए, और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर कीजिए, साथ ही नोटिफिकेशन बेल आइकन दबाना नहीं भूले, ताकि हमारा कोई वीडियो है सबसे पहले आपको। हाँ जी, वीडियो को एक शेयर तो जरूर कर दें, शेयर से हमें बहुत बड़ा सपोर्ट मिलता है, शेयर करना बिल्कुल भी ना भूले। तो मिलते हैं जी नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय।